सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारा फाउंडेशन बैच 5 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। इस बैच में न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा की तैयारी भी एकदम स्टार्टिंग से करवाई जाएगी, है ना। भूगोल की कक्षाएं स्वयं मैं लूंगा और बाकी के विषय अन्य अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाएंगे। बैच से संबंधित जानकारियां मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फाउंडेशन बैच के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको न केवल हमारे बैच की विशेषताएं, हमारे डेमो क्लासेस, हमारा प्रॉस्पेक्टस और साथ में कुछ मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे जिन पर कॉल करके आप जानकारियां ले सकते हैं। जिन लोगों को भी प्रवेश लेना है, मैं कहूंगा कि 5 अक्टूबर से अगर पहले ले लेंगे तो आपको जोड़ने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, वरना बाद में थोड़ी सी उथल पुथल होती है ना। और जो लोग प्रवेश ले चुके हैं इस अवधि में, उनसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा परेशान ना हो, सभी को ऐप से जोड़े जाने की प्रक्रिया चल रही है और अगले 24 घंटे 48 घंटे में सबको जोड़ लिया जाएगा, यानी 5 अक्टूबर की आपकी क्लास छूटेगी नहीं, परेशान मत होइए, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, उसकी दूसरी कड़ी, पिछली क्लास मैंने एक दिन पहले ली थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहां से क्यों पढ़ा रहा हूं, नहीं, मैं पढ़ाऊंगा बैच में आपको भारत की अवस्थिति और विस्तार, जो पहली कक्षा है। ये एक तरह से आप डेमो क्लास समझ सकते हैं कि मैं किस तौर पर आपको वहां पर पढ़ाऊंगा। ऐसे तो मैं भारत का भूगोल पढ़ा चुका हूं एक बार YouTube पर पूरा का पूरा, लेकिन उसे और विस्तृत रूप में, न केवल प्रारंभिक बल्कि मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर इस बार मैं इसे कवर करूंगा बैच में। आप लोग जो भी आना चाहते हैं इस बैच में, थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए ताकि बाद में आप ये ना कहें कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, है ना। प्रायद्वीपीय भारत के पठार की विशेषताएं, मैं पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने एक बार उत्तरी सिरे से लेकर दक्षिणी सिरे तक उसकी एक मोटी मोटी विशेषताएं मैंने समेकित रूप में बताई। फिर मैंने लास्ट में बताया कि प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन अगर अच्छे से करना है तो उसे हम कुछ संरचनाओं में बांट सकते हैं। यहां पर मुख्य रूप से मैंने 11 अलग अलग संरचनाओं में प्रायद्वीपीय भारत को बांटा हुआ है ना। यहां पर नाम लिखा हुआ है, अरावली, मालवा, विंध्य, सतपुड़ा, छोटा नागपुर पठार, शिलांग पठार, दक्कन पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पर्वत, दक्षिणी सह्याद्री। आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अरावली पर्वत, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अगर आप, ये उत्तर है और ये है दक्षिण पश्चिम और इधर है पूरब, तो ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो उत्तर पश्चिमी सिरा है आप देखेंगे अरावली पर्वत से सीमांकित होता है। ये बिल्कुल उत्तर पश्चिमी सिरा है इसका, है ना। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिमी सिरे पर, ये नाम आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से, एक से लेकर 11 संरचनाओं मैंने बांटा है। इस वीडियो क्लासेस को मैं आगे इसी में कंटिन्यू कर दूंगा, जब मैं शुरू से पढ़ाऊंगा तो उसी में ये वीडियो क्लासेस आपको मिल जाएंगे, है ना। हेडिंग डालते हैं अरावली। अरावली श्रेणी, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पर्वत स्थित है। अरावली, मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है ना। अरावली विश्व की कुछ प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। भारत के पठार के उत्तरी पश्चिमी सिरे पर स्थित है। कहां से कहां तक है? यहां पर गुजरात का पालनपुर है। ये गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होती है और उत्तर पूर्व में दिल्ली तक जाती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान राज्य में है। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक जाती है और सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान राज्य में है, और साथ ही में इसकी सबसे ज्यादा चौड़ाई, लंबाई भी सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा चौड़ाई, भी राजस्थान राज्य में ही है। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, यहां पर दिल्ली है, दिल्ली के दक्षिण में हरियाणा है, हरियाणा के दक्षिण में राजस्थान है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा राजस्थान राज्य में ही विस्तृत है ना। तो राजस्थान के इन दक्षिणी भागों में इसे जरगा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जरगा, राजस्थान के दक्षिणी भागों में इसे जरगा पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, जबकि दिल्ली के समीप इसे दिल्ली कटक कहते हैं। या दिल्ली रिज भी कह सकते हैं। अरावली में
एक विशेषता हम पाएंगे कि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। राजस्थान के दक्षिणी भागों में इसकी चौड़ाई अधिक है और जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं अरावली की चौड़ाई कम होती जाती है, मतलब अरावली बिल्कुल सकरी होती जाती है, दिल्ली की तरफ जाने पर बिल्कुल सकरी होती चली जाएगी। दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर न केवल चौड़ाई, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर न केवल चौड़ाई बल्कि लंबाई, लंबाई भी कम होती चली जाती है। उत्तर की ओर जाने पर चौड़ाई भी घटती जाती है और साथ ही में इसकी लंबाई भी घटती जाती है, और साथ ही उत्तर में ये थोड़ा कटा फटा है, दक्षिण में क्रमबद्ध है, लेकिन जैसे जैसे हम दिल्ली के समीप जाते हैं इसमें बीच बीच में गैप दिखाई देते हैं। क्लियर। अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई दक्षिणी राजस्थान में माउंट आबू के पास मिलती है। माउंट आबू के पास दक्षिणी राजस्थान में इसकी सबसे ज्यादा चौड़ाई मिलती है और माउंट आबू में गुरु शिखर, माउंट आबू में गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, यहां पर है गुरु शिखर, है ना, सबसे ऊंची चोटी है। अरावली को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने वाली एकमात्र नदी है बनास। बनास एकमात्र नदी है जो अरावली को पश्चिम से पूरब की ओर पार करती है और यह चंबल में जाकर मिल जाती है। बनास एकमात्र नदी है जो अरावली को पश्चिम से पूरब की ओर पार करती है और यह चंबल में जाकर मिल जाती है, यानी यह चंबल की सहायक नदी है, और चंबल नदी जो है कि यमुना में जाकर मिल जाती है। क्लियर। अरावली के बीचों बीच भाग से लूनी नदी निकलती है और राजस्थान में पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। अरावली के मध्य भाग से लूनी नदी निकलती है और पश्चिम में राजस्थान में ज्यादातर प्रवाहित होती है और राजस्थान को पार करने के बाद यह गुजरात के कच्छ के रण में जाकर यहीं पर विलीन हो जाती है, यानी खो जाती है, इसको समुद्र प्राप्त नहीं होता, यानी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। क्लियर। मालवा पठार, अरावली के दक्षिण में और विंध, ये विंध पर्वत है और ये अरावली है। अरावली के दक्षिण में और विंध पर्वत के उत्तर में मालवा पठार स्थित है। मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निकले हुए लावा से हुआ है, यानी इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। दुनिया में जहां भी भूखंडों का निर्माण या चट्टानों का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है वहां पर भू सतह पर काली मिट्टी पाई जाती है। जैसे महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, उसी तरह से मध्य प्रदेश और गुजरात से लगे हुए मालवा पठार पर भी काली मिट्टी पाई जाती है, यानी मालवा पठार और दक्कन पठार, महाराष्ट्र में है दक्कन पठार, इन दोनों का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। और जब बेसाल्ट चट्टानों का अपक्षय और अपरदन होता है, यानी गर्मी धूप बरसात हवा चलती है तो वो टूटती फूटती चली जाती है, इसे हम अपक्षय की क्रिया कहते हैं, है ना। बरसात होती है, फिर धूप होती है, फिर बरसात होती है, धूप होती है, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, तो चट्टानें टूटती हैं, इस क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं, है ना। तो चट्टानों के अपक्षय से मिट्टी का निर्माण हो जाता है। बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से हमेशा काली मिट्टी का निर्माण होगा। तो मालवा पठार का निर्माण लावा यानी बेसाल्ट चट्टान से हुआ, इसलिए यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। और जहां भी काली मिट्टी पाई जाती है वहां पर क्या उगाया जाता है, कपास उगाया जाता है ज्यादातर। क्लियर। मालवा पठार का ढाल गंगा घाटी की तरफ है, ये मालवा पठार है, उसके उत्तर में आप देखेंगे तो ये गंगा घाटी है। तो मालवा पठार का ढाल गंगा घाटी की तरफ है। जैसे यहां से जितनी भी नदियां मालवा पठार से निकलती हैं, मालवा पठार से, ये सभी निकलकर उत्तर की तरफ गंगा घाटी की तरफ प्रवाहित होती हैं, है ना। उदाहरण के लिए काली सिंध, चंबल, बेतवा, केन, ये सभी नदियां मालवा पठार से निकलती हैं और उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं और जाकर किस नदी मिल जाती हैं, ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं, ये सभी यमुना में मिल जाती हैं, है ना। इससे पता चलता है कि मालवा पठार का ढाल उत्तर की तरफ है।
नदियों की दिशा से ही पता चलता है। चंबल और उसकी जो सहायक नदियां हैं, चंबल और उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को काफी ज्यादा अपर्दित कर दिया। मान लेते हैं कि यह मालवा पठार का क्षेत्र है ना, मालवा पठार का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सी नदियां प्रवाहित होती हैं उत्तर की तरफ। चंबल की बहुत सी सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों ने मालवा पठार को बहुत ज्यादा अपर्दित कर दिया है। अपर्दित करने का मतलब है कि बहुत लंबे समय काल से इन नदियों ने मालवा पठार को गहरा कर दिया है, जगह जगह नालियों का निर्माण कर दिया है। यानी नदियां जिस तरह से विसर्पित होकर चलती है ना सांप की तरह, तो उन्होंने क्या किया कि नदियों ने बहते हुए जगह जगह सांप की आकृति में नालियों का विस्तार कर दिया है। नालियां बन जाने से मालवा पठार में बीहड़ का निर्माण हो गया है। बीहड़ यानी मालवा पठार नदियों द्वारा अपर्दन के कारण बीहड़ भूमि में तब्दील हो गया है। ऐसे अपर्दन को हम अवनालिका अपर्दन कहते हैं, ऐसे अपर्दन को अवनालिका अपर्दन कहते हैं। यानी कि मालवा पठार अवनालिका अपर्दन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हाँ, तीसरी संरचना जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है विंध्य पर्वत। मालवा पठार के दक्षिण में, मालवा पठार के दक्षिण में और नर्मदा भ्रंश के उत्तर में मालवा पठार के दक्षिण में और यहां पर ये नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। अब ध्यान से देखिए, ये है नर्मदा नदी, ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, खंभात की खाड़ी में चली जाती है। नर्मदा भ्रंश के उत्तर में और मालवा पठार के दक्षिण में विंध्य पर्वत का विस्तार है। विंध्य पर्वत का अधिकतर विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है, इसका अधिकतर विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश से प्रारंभ होकर यह नर्मदा भ्रंश के उत्तर में पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। विंध्य पर्वत नर्मदा भ्रंश के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है और पूर्व में जाने पर यह भारनेर, पूर्व में जाने पर यह भारनेर, कैमूर और पारसनाथ। विंध्य पर्वत पूर्वी भागों में भारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक चली जाती है। कहां तक चली जाती है? झारखंड तक विस्तृत है। यानी कि भारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियां विंध्य पर्वत का ही पूर्वी विस्तार हैं। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा की भ्रंश घाटी है, आप लिखेंगे जो भी मैं बोल रहा हूं, है ना। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी है, नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है और सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में तापी नदी की भ्रंश घाटी है। विंध्य के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी, नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी और सतपुड़ा के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है। स्वाभाविक रूप से इसके बाद हम किसका अध्ययन करेंगे? इसके बाद हम सतपुड़ा श्रेणी का अध्ययन करेंगे। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार अगर आप पॉलिटिकल मैप को भी साथ साथ देखें और फिजिकल मैप को भी साथ साथ देखें, दोनों को आप जोड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार तीन राज्यों में है, पश्चिम में गुजरात, उसके पूर्व में महाराष्ट्र और उसके पूर्व में मध्य प्रदेश। उसके पूर्व में मध्य प्रदेश यानी तीन राज्यों में सतपुड़ा श्रेणी मुख्य रूप से विस्तृत है। सतपुड़ा श्रेणी को पश्चिम से पूर्व की ओर तीन नामों से जाना जाता है। पश्चिम में इसे राजपीपला, लेकिन एक बात और ध्यान देना है, सतपुड़ा श्रेणी का 85% विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में ही है, मतलब 80% से ज्यादा विस्तार इसका मध्य प्रदेश राज्य में है। यानी सतपुड़ा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की पहाड़ी है। पश्चिम में इसे राजपीपला पहाड़ी के नाम से जानते हैं, उसके पूर्व में इसे महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं और उसके पूर्व में इसे मैकाल पहाड़ी के नाम से जानते हैं या मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं।
क्लियर। पश्चिम से पूर्व की ओर अलग अलग नामों से ये जानी जाती है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी यहां पर धूपगढ़ है। धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ यानी सतपुड़ा की सबसे ज्यादा ऊंचाई महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ चोटी के समीप दिखती है और धूपगढ़ चोटी के समीप ही पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन, धूपगढ़ चोटी के समीप ही पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। घूमने फिरने लायक यहां पे अच्छा वातावरण रहता है। मुख्य रूप से जब आप शीत ऋतु के बाद बसंत ऋतु में जाएंगे तो यहां पे आपको सबसे अच्छा महसूस होगा। सबसे अच्छा वातावरण यहाँ पे फरवरी मार्च और अप्रैल के महीनों में देखने को मिलता है, धूपगढ़ चोटी या फिर पंचमढ़ी हिल स्टेशन में। महादेव पहाड़ी के पूर्व में सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार मैकाल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मैकाल जो है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारित करता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर यह मैकाल पहाड़ी स्थित है और मैकाल पहाड़ी की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई अमरकंटक पठार के निकट मिलती है। अमरकंटक पठार के निकट या अमरकंटक पठार पर मैकाल श्रेणी की सबसे ज्यादा ऊंचाई देखने को मिलती है। अमरकंटक पठार से दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन अमरकंटक पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से, यहां पे है अमरकंटक पठार, नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। नर्मदा नदी के मुहाने पर गुजरात का प्रमुख बंदरगाह भरूच, गुजरात का प्रमुख बंदरगाह भरूच नर्मदा नदी के मुहाने पर है। महादेव पहाड़ी सबसे पश्चिम में राजपीपला, उसके पूर्व में महादेव, उसके पूर्व में मैकाल। महादेव पहाड़ी के दक्षिण में बैतूल पठार है। यहां पर महादेव पहाड़ी के ठीक दक्षिण में बैतूल पठार है और बैतूल पठार से ही तापी नदी निकलती है और पश्चिम की तरफ खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। गुजरात का प्रमुख हीरा मंडी, गुजरात की प्रमुख हीरा मंडी कही जाने वाली जो सूरत शहर है, सूरत तापी नदी के मुहाने पर है। जैसा कि मैंने बताया कि अमरकंटक पठार से दो नदियां निकलती हैं, पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी जो कि खंभात की खाड़ी में चली जाती है और अमरकंटक पठार से निकलने वाली दूसरी नदी सोन है जो कि पहले उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और बाद में ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए बिहार की राजधानी पटना के समीप सोन नदी में विलीन हो जाती है। यानी पहले उत्तर की ओर प्रवाहित होती है फिर पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए पटना के समीप सोन नदी में विलीन हो जाती है। सतपुड़ा अभी जारी है, सतपुड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ। सतपुड़ा का अध्ययन, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में, अगर ये सतपुड़ा पर्वत है मान लेते हैं, है ना, तो उत्तर में नर्मदा भ्रंश है और दक्षिण में तापी भ्रंश है। नर्मदा भ्रंश घाटी उत्तर में है और दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है। नर्मदा भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और तापी भ्रंश घाटी में तापी नदी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। इन दोनों भ्रंश घाटियों का ढाल अरब सागर की तरफ है। इन दोनों भ्रंश घाटियों का ढाल अरब सागर की ओर है, इसलिए ये दोनों नदियां पश्चिम में खंभात की खाड़ी की तरफ चली जाती हैं। दो भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित पर्वत को ये है नॉर्थ और इधर है साउथ। यह है नर्मदा भ्रंश और यह है तापी भ्रंश। यानी कि सतपुड़ा
पहाड़ी सतपुरा श्रेणी कोई वास्तविक पर्वत न होकर दो भ्रंश किनारों के सहारे उठी हुई है। दो भ्रंश यह है सतपुड़ा, दो भ्रंश घाटियों के बीच, दो भ्रंश इन्हीं दोनों भ्रंश घाटियों में नर्मदा और तापी नदियां प्रवाहित होती हैं और उनके ठीक बीच में सतपुड़ा पर्वत उठा हुआ है। तो दो भ्रंश घाटियों के बीच के मध्य जो पर्वतीय क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत। दो भ्रंश घाटियों के बीच उठे हुए भूभाग को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं, हिंदी में इसे हम भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। सतपुड़ा भारत में एकमात्र भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज, पाकिस्तान में नमक की पहाड़ी और भारत में सतपुड़ा एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्य रूप से दो राज्यों में है। झारखंड ज्यादातर विस्तार इसका झारखंड राज्य में है और थोड़ा सा पूर्वी विस्तार इसका, ज्यादातर विस्तार इसका झारखंड राज्य में है और थोड़ा सा ही पूर्वी विस्तार इसका पश्चिम बंगाल में चला जाता है। क्लियर। झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में इसका विस्तार है। छोटा नागपुर पठार से मुख्य रूप से दो नदियां निकलती हैं, इन्हें समझना जरूरी है। पहला दामोदर, छोटा नागपुर पठार का जल दो नदियों द्वारा अपवाहित किया जाता है यानी बहाया जाता है। पहली नदी है दामोदर और दूसरी नदी है स्वर्णरेखा। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच पश्चिम से पूरब की ओर अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। यह है गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से पूर्व उसकी एक वितरिका दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, यानी जब कोई नदी अपनी मुख्य नदी का साथ छोड़कर दूसरी दिशा में चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। यानी हुगली कोई सहायक नदी नहीं है, सहायक नदी यमुना हुई क्योंकि चली जाके गंगा में मिल जाती है यमुना, लेकिन हुगली गंगा का साथ छोड़कर एक दूसरी धारा के रूप में दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने लगती है। तो ऐसी नदी को हम सहायक नदी नहीं बल्कि हुगली क्या है, एक वितरिका है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए पूरब में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। क्लियर। यानी ये हुगली की एक सहायक नदी है। ध्यान देना है दामोदर नदी के प्रवाह की दिशा एकदम पश्चिम से पूरब की तरफ है। भारत में तीन नदियां हैं जो अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, नर्मदा, तापी और दामोदर। भूकंपी हलचल के चलते जब भूखंड नीचे धसक जाता है, भूकंपी हलचल के चलते जब कोई नीचे धसक जाता है कोई भूखंड और उसमें नदी प्रवाहित होने लगती है तो ऐसे घाटी को हम क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। तो दामोदर नदी भी नर्मदा और तापी की तरह अपने भ्रंश घाटी में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है और हुगली में जाकर मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को, जो दामोदर की भ्रंश घाटी है, दामोदर भ्रंश घाटी छोटा नागपुर पठार को दो स्पष्ट भागों में बांटती है। इसके उत्तरी भाग को हजारीबाग पठार कहते हैं, इसके उत्तरी भाग को हजारीबाग पठार, बाग पठार कहते हैं और दक्षिणी भाग को रांची पठार कहते हैं, रांची पठार। क्लियर। उत्तरी भाग इसका हजारीबाग पठार कहता है और दक्षिणी भाग इसका रांची पठार कहता है। वही स्वर्ण नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए यहां पर
बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्लियर, यानी ये अलग स्वतंत्र रूप से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, जबकि दामोदर नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में नहीं पहुंचती, बल्कि ये हुगली नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। झारखंड की राजधानी रांची यहां पर है। झारखंड की राजधानी रांची स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार की एक विशेषता है कि खनिजों से भारत में खनिजों से सर्वाधिक समृद्ध पठार, यह भारत में खनिजों से सर्वाधिक समृद्ध पठार है, इसलिए इसे हम भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। भारत का रूर जर्मनी का एक क्षेत्र है जो खनिजों, कोयला और लोहा से समृद्ध है। जर्मनी का एक क्षेत्र है रूर, कोयला लोहा से समृद्ध है, इसलिए हम उदाहरण उपमा देते हैं कि यह भारत का रूर है, यानी खनिजों से समृद्ध है। छोटा नागपुर पठार पर पाए जाने वाले प्रमुख खनिज जो है बिटुमिनस कोयला, यहां पर बिटुमिनस कोयला, यानी यहां पर भारत का आप कह सकते हैं कि यहां पर भारत के लगभग 90%, भारत का लगभग 90% कोयला भंडार छोटा नागपुर पठार पर ही पाया जाता है। इसके अलावा बिटुमिनस के अलावा यहां पर यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार पर सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में यहां पर पाया जाता है, यूरेनियम ही पाया जाता है। इसके अलावा यहां पर लोहा, दक्षिणी भागों में लोहा के भंडार भी पाए जाते हैं, लोहे के, सिंहभूम में भी लोहा पाया जाता है ना, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर कोयला। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे छोटे जैसे निकेल, कोबाल्ट भी यहां पर, निकेल है ना, क्रोमियम, ये सब प्रमुख खनिज हैं जो छोटा नागपुर पठार पर पाए जाते हैं। खनिज वाले अध्याय में हम इसका अलग से अध्ययन करेंगे। विशेषताएं बता दूं आसपास की थोड़ी सी, छोटा नागपुर पठार मुख्य रूप से झारखंड में है और छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में गड़जात की पहाड़ियां मुख्य रूप से उड़ीसा में है। उड़ीसा में जो भी लोहे का भंडार पाया जाता है वो गड़जात की पहाड़ियों में ही पाया जाता है। गड़जात की पहाड़ियों में लोहा, जैसे आपने सुना होगा खनिजों वाले अध्याय में पढ़ेंगे आप, मयूरभंज जिले में है ना, उसके अलावा गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी, पोचमपद, मयूरभंज जिले में लोहा पाया जाता है। ये सभी जो स्थल हैं ये गड़जात पहाड़ियों के अंतर्गत हैं। तो छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में गड़जात पहाड़ियां हैं उड़ीसा में, यहां पर लोहे का समृद्ध भंडार पाया जाता है, यहां पर गड़जात की पहाड़ियां हैं। उड़ीसा में गड़जात पहाड़ियां हैं। गड़जात पहाड़ियों के दक्षिण में छत्तीसगढ़ में रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। गड़जात पहाड़ियों के पश्चिम में छत्तीसगढ़ में रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, यह है गड़जात। उसके पश्चिम में छत्तीसगढ़ में रामगढ़ की पहाड़ियां हैं और उसके पूर्व में, गड़जात पहाड़ियों के पूर्व में उड़ीसा में ही सिमलीपाल पठार है। सिमलीपाल, ये उड़ीसा में है सिमलीपाल पठार में सफेद बाघ पाए जाते हैं। भारत में सफेद बाघ यहीं पर पाए जाते हैं। क्लियर, छत्तीसगढ़ में है रामगढ़ की पहाड़ियां है ना, गड़जात पहाड़ियों के पश्चिम में रामगढ़, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी हिस्सा है यहां पर चलाया है, छत्तीसगढ़ का ये दक्षिणी हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में दंडकारण्य का पठार है, यहां पे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य पठार का विस्तार मुख्य रूप से तीन राज्यों में है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इसका विस्तार मुख्य रूप से तीन राज्यों में है। दंडकारण्य पठार पर ही बीचों बीच एकदम मध्य के भाग में
छत्तीसगढ़ में ही बस्तर का पठार है। दंडकारण्य पठार के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार है। भारत में टिन का एकमात्र भंडार और टिन का एकमात्र निष्कर्षण बस्तर पठार में ही पाया जाता है। भारत में जो भी टिन पाया जाता है वो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत बस्तर पठार में ही टिन का भंडार पाया जाता है। उड़ीसा का जो मध्य का क्षेत्र है, आप ध्यान से देख रहे होंगे, दक्षिणी हिस्सा तो पीला है, मतलब पठारी है, लेकिन बीच का क्षेत्र अगर आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, जैसे मैं आपको यहां ऐसे दिखा दूं, बहुत ज्यादा घाचपच हो गया। अगर मध्य का क्षेत्र आप ये देखें, उड़ीसा का, सॉरी छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का मध्य का जो क्षेत्र है वो थाले की तरह है। थाला मतलब बेसिन की तरह, यानी चारों तरफ तो ऊंची पहाड़ियां हैं, चारों तरफ ऐसे ऊंची पहाड़ियां हैं, लेकिन मध्य का क्षेत्र बेसिन जैसा है। ऐसे समझा दूं, इसको समझ लीजिए कि इसे धान का कटोरा क्यों कहते हैं। मध्य का क्षेत्र महानदी का बेसिन है। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र को छोड़ दीजिए और दक्षिणी क्षेत्र को छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ का जो मध्य का क्षेत्र है उसे महानदी बेसिन कहते हैं, या इसे हम छत्तीसगढ़ बेसिन भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ बेसिन। ये महानदी का बेसिन है, इसमें महानदी प्रवाहित होती है। एक ऐसा क्षेत्र है जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और मध्य का क्षेत्र बिल्कुल मैदानी भाग है। महानदी के आसपास का क्षेत्र होने के चलते जमीन काफी उपजाऊ है, यहाँ पर वर्षा की भी अच्छी खासा मात्रा प्राप्त होती है, क्योंकि जब मानसून आता है तो हवाओं का एक हिस्सा छत्तीसगढ़ बेसिन में, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ पर, उसका एक हिस्सा छत्तीसगढ़ बेसिन में प्रवेश करता है। और चूंकि चारों तरफ पहाड़ियां स्थित हैं तो हवा आगे निकल नहीं पाता और पहाड़ियों के सहारे हवा ऊपर उठती है, और ऊपर उठती है तो महानदी बेसिन में खूब वर्षा कर देती है। इसके चलते यहाँ पर धान की खेती बहुत अच्छी होती है। धान की खेती की दृष्टि से छत्तीसगढ़ बेसिन बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है, इसे हम धान का कटोरा भी कहते हैं। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी सिरे पर, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी सिरे पर यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां हैं, जो कि झारखंड राज्य में ही स्थित हैं। राजमहल की पहाड़ियां प्राचीन काल में शिलांग पठार तक विस्तृत थी, यानी कि शिलांग पठार कोई अलग थलग पठार नहीं है। अब अगला हेडिंग हम डालेंगे शिलांग पठार। या इसे हम मेघालय पठार भी कहते हैं। शिलांग पठार मेघालय पठार कोई स्वतंत्र पठार नहीं है, यह कोई स्वतंत्र पठार नहीं है, है ना, स्वतंत्र पठार नहीं है, बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार का, बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। प्राचीन काल में प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी सिरे पर स्थित राजमहल पहाड़ियां प्राचीन काल में शिलांग पठार या मेघालय पठार तक विस्तृत थी। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी सिरे पर स्थित शिलांग राजमहल पहाड़ियां प्राचीन काल में शिलांग पठार या मेघालय पठार तक विस्तृत थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बीच का भाग अवतलित होकर नीचे धसक गया। जब बीच का भाग अवतलित होकर नीचे धसक गया तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों ने इसे भर दिया। जब जलोढ़ निक्षेपों ने इसे भर दिया तो यह मैदानी भाग बन गया, जिसे हम बांग्लादेश का मैदान कहते हैं, है ना। इससे बीच में गैप आ गया, राजमहल पहाड़ी और शिलांग पठार के बीच में गैप आ गया, इसे हम कहते हैं राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप भी इसे कहते हैं। यहां पर शिलांग पठार के अंतर्गत, शिलांग पठार पर कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे पश्चिम से पूरब की ओर गारो, खासी, जयंतिया, यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे पश्चिम में गारो, उसके पूर्व में खासी, उसके पूर्व में जयंतिया। गारो मेघालय का, शिलांग पठार का सबसे ऊंचा स्थल, सबसे ऊंची चोटी नोकरेक, शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक गारो पहाड़ी पर स्थित है। दुनिया में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज करने वाला मासिनराम,
विश्व में सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज करने वाला मौसिन राम और उससे पहले चेरापूंजी, उससे पहले कौन सा स्थल था? चेरापूंजी। पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वार्षिक वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज करने वाला स्थल था, वर्तमान में मौसिन राम। ये दोनों स्थल खासी पहाड़ियों के अंतर्गत आते हैं, उसके पूर्व में जयंतिया पहाड़ियां हैं। इतना ही नहीं, शिलांग पठार के पूर्वी भागों में जब आप गौर से देखेंगे, शिलांग पठार के पूर्वी भागों में यहां पर आपको असम में, शिलांग पठार तो मेघालय में है, उसके पूर्व में आपको असम में यहां पर दो पहाड़ियां दिखेंगी, रेंगमा और दूसरी है मिकिर। यानी रेंगमा और मिकिर ये दोनों असम की पहाड़ियां हैं। शिलांग पठार के पूर्व में असम में, असम राज्य में रेंगमा और मिकिर ये दोनों पहाड़ियां भी हिमालय का भाग नहीं है। भौगोलिक रूप से हिमालय के पास अवस्थित होते हुए भी ये दोनों पहाड़ियां हिमालय का भाग ना होकर संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग पठार का ही एक हिस्सा है। इसलिए रेंगमा और मिकिर पहाड़ियां भी अगर हम मूल रूप से कहें तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही एक भाग है। क्लियर? आपने अभी तक प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत अरावली पर्वत, मालवा पठार, विंध्य पर्वत, अरावली सतपुड़ा श्रेणी, छोटा नागपुर पठार, राजमहल पहाड़ी और शिलांग पठार का अध्ययन किया। इसके बाद के हिस्से में हम पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, दक्कन पठार और कर्नाटक पठार, मैसूर पठार, दक्षिणी सह्याद्री जिसके अंतर्गत अनामलाई और कार्डामम हिल आते हैं, इन सब संरचनाओं का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अपवाह का भी अध्ययन करेंगे। हालांकि बैच में मैं अपना स्टार्ट करूंगा भारत की अवस्थिति और विस्तार से। एक बार फिर से मैं भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल न केवल प्रारंभिक बल्कि इस बार मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी मैं कवर करूंगा। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। मिलते हैं जल्दी ही। नमस्ते।